हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है पब्लिक यार। आज जो है फाइनली 6 राउंड आईएसआर एससीबी चैनल का अलॉट हो चुका है। अभी एटलीस्ट 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी तक तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर एससीबी चैनल हैज बीन रिलीज्ड। बात करते हैं कट ऑफ की, तो यार थोड़ा सा आगे तक गया है कट ऑफ, जिसकी सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो इंतजार अभी शुरू हो चुका है। कट ऑफ आगे आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चुका जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जोसा है, सीए से भी है, उधर फर्दर काउंसलिंग है, चंडीगढ़ स्पोर्ट राउंड है, जेक दिल्ली है, उधर जा रहे हैं। कट ऑफ आगे की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात कर लेते हैं आज का क्या सीन है। सब इससे पहले बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी आ रही थी कि भैया अब एडमिशन तो हो चुका है, अब क्या करना है, कब किसको कैसे फीस पे करनी है, क्लासें कैसे चलेगी, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। इसका जो है आंसर है कि क्लासें आपकी जो भी है वो ऑनलाइन चलेगी। और जो बच्चे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया अभी क्लासें तो स्टार्ट होने वाली है, हमारा स्पोर्ट राउंड अगर बाद में होगा तो क्या हमारी क्लासें मिसिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक सारी की सारी सीटें भर नहीं जाती, यानी कि ऑल राउंड क्लोज नहीं हो जाते, तब तक तो क्लासें स्टार्ट नहीं होगी। ओके, एंड जो भी बच्चे जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले जाए कॉलेज की जो भी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर से अपना जो भी फीस स्ट्रक्चर वगैरह डाउनलोड करें। और ऑलमोस्ट जो वेबसाइटें हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट आया है वहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो भी प्रोसेस होता है, कैसे फीस पे करनी है, कैसे रजिस्टर करना अपने आप को, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, आज अपन बात करते हैं इसके बारे में, इसकी क्या क्या पोजीशन रहेगी, आगामी समय में कितने तक जा सकती है लास्ट कट ऑफ। ओके, तो जस्ट अभी 6वें राउंड की जो है रैंक डाली नहीं है ओके आयसर ने, लेकिन आज की अगर अपन बात करें ओके, देन अभी जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं ठीक है, एसटी कैटेगरी का अभी 13,000 तक तो नहीं पूछा है, लेकिन हाँ मतलब अभी 12:30 का तो था एक बच्चा मेरे पास। ओके, तो जस्ट यार जो लास्ट स्पोर्ट राउंड तक जो एससी कैटेगरी की रैंक है, जिसकी 15,000 तक है ओके, गारंटेड नहीं बता रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट ए गॉड ठीक है। फिर से अदर अदर आएंगे भैया ये बता रहे हैं क्या क्या सिस्टम है इनका, आयसर के साथ क्या कनेक्शन है ओके, तो ये वाला सीन नहीं है। 15,000 तक जिनके हैं मिल सकता है ओके एससी कैटेगरी के अंदर। अब ये भी डिपेंड करता है कि अगर सीटी बची हुई हो तो ओके, और जिन बच्चों की एससी कैटेगरी में सीटें नहीं है उनका कैंसिल हो जाएगा ठीक है, मतलब जनरल में चले जाएंगे वो लोग। तो गाइस अभी भी मतलब सीटें ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट नहीं कह सकते मतलब थोड़ी सीटें वैकेंट हैं कम ठीक है, थोड़ी का मतलब कम होता है ठीक है, हमारे यहाँ पे पंजाब साइड ऐसा ही बोलते हैं ओके, कम थोड़ी थोड़ी सीटें वैकेंट है अभी ओके, अभी भी मौका है आप लोगों के पास। एंड अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो लास्ट राउंड तक 10,000 क्रॉस कर सकता है, और कश्मीरी माइग्रेंट्स में ऑलमोस्ट बच्चों को अभी मिल चुका है, अलॉटमेंट आ चुका है और ऑलमोस्ट सारी सीटें बढ़ चुकी है। अब जो बच्चे एससी कैटेगरी में एनरोल नहीं कर रहे, यानी कि सीटें वैकेंट रह रही है, ओबीसी में वैकेंट रह रही है, ईडब्ल्यूएस में वैकेंट रह रही है, वो डायरेक्टली जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। आईआईटी जेई की जितनी भी सीटें बचेगी मतलब बची नहीं है ओके, केओपीवाई में भी नहीं बची है, समझ रहे हो, मतलब 100 बचे, 200 बचे, 1,00,000 बचे, जो भी है एससी कैटेगरी में एनरोल हो जाएगी, एससीबी कैटेगरी के अंदर ओके, जो भी एससीबी चैनल है उसके अंदर जो भी सारी सीटें हैं वो एससीबी चैनल के द्वारा ही भरी जाएगी ओके बच्चे ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को मैं मेन चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ यार, इस चैनल पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट हो रहा है, आईसर एस आईएएसटी है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जेक दिल्ली है, जेक चंडीगढ़ है, तो यार दिस इज नॉट कम्फर्टेबल फॉर ऑल पर्सन्स, तो इसके लिए मैंने एक मेरा इंडिविजुअली चैनल बना दिया है ओके स्टूडेंट, तो यार उसको सब्सक्राइब कर लो, मैं यही रिकमेंडेड करूँगा ठीक है, जितने भी बच्चे हो प्लीज सब्सक्राइब नाउ ठीक है, जो भी हमारा चैनल है आयसर का यार, या तो इस वीडियो के अबाउट में जा सकते हो ठीक है, चैनल के अबाउट में, या मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ओके आयसर चैनल ओके, देन आप जैसे इस पे विजिट करते हैं ओके, ज्यादा वीडियोस तो मैंने अभी इस पे अपलोड किए नहीं है, लेकिन हाँ
आप जस्ट इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आयसर वाले जितने बच्चे भी हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये मेरा इस चैनल पे लास्ट वीडियो था आयसर का, क्योंकि CUCT वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भैया हम आयसर का क्या करें, हम IIST का क्या करें। तो यार ये सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इसको क्लिक कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, ताकि आपको जो भी अपडेट होती है वो मिल जाए। ठीक है यार, हमारा कोई मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ठीक है, और ना ही हम इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, हम एक दो बच्चों का इतना ही, जो भी मतलब नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका एडमिशन करा देते हैं और नॉर्मली चार्ज लेते हैं बस, और कोई ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम इससे कोई पैसे कमाएं, लोगों को लूटें, ऐसा कोई हमारा कोई इरादा नहीं है, ना ही हमें कोई लूटते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की भी है, एडमिशन भी कराए हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे खुश हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हमारा कोई बहुत बड़ा आगे तक कनेक्शन हो, हाँ कनेक्शन भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कनेक्शन ना हो, सभी को जानते हैं हम जितने भी आश्रम में हो ना हो। ठीक है, तो जस्ट ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा बड़ा कनेक्शन हो। ठीक है, तो यार इसको सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियोस वगैरह होते हैं वो इसी चैनल पर डाले जाएंगे, फ्यूचर ऑफ इंडिया आयस्टर यूट्यूब चैनल। ओके, और एक मेरा फेवरेट चैनल है फ्यूचर ऑफ इंडिया एरोस्पेस, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, आई रिकमेंडेड फॉर यू इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दिस इज फुल्ली रिकमेंडेड फॉर मी एंड वेरी 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 फ्यूचर स्कोप इन इंडिया एंड दिस यूनिवर्स, बिकॉज इन 2023 इसरो लॉन्च ए गगनयान, दिस इज वेरी वेरी लो कॉस्टली इन जस्ट लाइक नासा स्पेस एक्स, ओनली 10 लाख रुपीज पर पर्सन गोइंग टू दिस मंगलयान मार्स ओके एंड मून के 2023, वो स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड गो टू मून एंड मार्स, ओनली 10 लाख रुपीज पर चार्ज पर पर्सन ओके। एंड यार एलोन मस्क ने भी इसके बारे में कहा कि ये कमाल कर दिया इसरो ने, और मुझे भी फक्र है ऐसे हमारे साइंटिस्टों पे जो कि आईसर IIST IITs NITs और हमारे रेपुटेटेड कॉलेज जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIRS है, ऐसे कॉलेजों से पढ़ के, ठीक है, इसरो जो है आज एक पीक पे माना जाता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इसरो की ऐसी कंडीशन थी कि जस्ट लाइक इसरो को अपने सैटेलाइट छोड़ने के लिए कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता था, अपने सैटेलाइट्स को ट्रक है एरोप्लेन में लोडिंग करके रसिया तक लेके जाना पड़ता था। आज बड़े बड़े कंट्रीज है जो हब है एरोस्पेस, वो इसरो के पास लेके आते हैं अपने सैटेलाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे अब तो मतलब सभी कंपटीटर करते हैं कि जस्ट लाइक इसरो ने 160 छोड़ दिए तो वो 160 छोड़ेंगे, अरे इसरो ने 200 छोड़े अपन 300 छोड़ेंगे, लेकिन कमाल तो फर्स्ट बार में ही होता है। ठीक है, दूसरा को तो कौन नाम याद रखता, जिसने फर्स्ट जो काम किया उसी को रखेंगे ना, चांद पे दूसरा तीसरा कौन गया, कोई याद नहीं रखा, फर्स्ट पे जो गया है उसी को याद रखेंगे लोग। ठीक है, तो यार आयसर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक इसरो इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, तो यार पढ़ाई करते रहे, जस्ट लाइक 12th तक तो ऐसे ही था, अब आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे मोड आएंगे। ओके, जस्ट आपकी पढ़ाई छूट भी सकती है, आप गौरव भी कर सकते हो, वो आपके पास बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जस्ट लाइक जो अभी जो साइंटिस्ट टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो जिस कंडीशन पे है वेरी गुड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की ये होता है कि यार ये लोग कहाँ से आ गए, ये कैसे डायरेक्टर है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये आज के मॉडर्न जमाने के नहीं है। भाई वो अभी जिस कंडीशन पे है ना, दोस्तों जैसे तुम्हारे पास क्या नहीं है, आज सब कुछ घर बैठे, आज तक मैं कभी मार्केट नहीं जाता, सब कुछ मेरे रूम पे घर बैठे आता है। पहले क्या था जब टीचर लोग पढ़ाई करते थे, घर से जो भी है सारा सामान बाहर से लेके आना पड़ता था, पढ़ाई जो है लाइब्रेरी में जाके करनी पड़ती थी, बुक शॉप से लेके आना पड़ता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मोबाइल में क्लिक करो, सारे के सारे अमेजोन किंडल पड़ा है, अमेजोन वाला डायरेक्टली डिलीवरी 2 घंटे के अंदर अभी दे रहा है। ओके, डायरेक्टली ड्रोन से डिलीवरी होने लगी है, 1 डे डिलीवरी आ रही है। ठीक है, घर पे सारा का सारा खाना आ रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ, सारी की सारी सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन अकेडमी है, अनअकेडमी है, बायजूज है, ठीक है, सारे के सारे सब कुछ आपके हाथ के अंदर होता है। फिर भी इस कंडीशन में आप नहीं हो, जिस कंडीशन के अंदर जो टीचर है अभी जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो जिस कंडीशन से आए हैं तुम्हारे पेरेंट्स है,
ठीक है, तो यार सभी का सम्मान करे। और मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम अभी ये चल रही है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा अनबिहेव कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं ये तो ट्रेंड है, ट्रेंड है, गालियां बहुत ही ज्यादा निकाल रहे हैं, ठीक है। हम भी बहुत ज्यादा बच्चों से सुनते हैं, तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। थोड़ा मैनर्स अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे और गालियां कम से कम निकालें। इंजीनियरिंग वाले तो बहुत ही ज्यादा चल